नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस और पैराबोला सीरीज में आज होने वाला है आखिरी प्रॉब्लम। तो यार, इस प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं टैंजेंट मेथड। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं और देखते हैं कि टैंजेंट मेथड यूज करके कैसा पैराबोला को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अ फाउंटेन जेट डिस्चार्जेस वाटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। तो एक फाउंटेन जेट है, फव्वारा है, पानी का फव्वारा, ठीक है। तो जेट जो निकल रहा है वो कितने एंगल पे निकल रहा है, 60 के एंगल पे छोट रहा है, ठीक। अब बहुत दूर जाके कहीं वो गिर रहा है, तो जहां पे वो गिर रहा है और जो इनिशियल पॉइंट है दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है 8 मीटर्स का, ठीक। ट्रेस द पाथ ऑफ द जेट, तो जाहिर सी बात है वो कौन सा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। और कर्व का नाम बताए, तो यार इसमें तो कर्व का नाम बताना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो पैराबोला ही है, ठीक है। तो एक फोटो दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां पे कंटिन्यूसली वीडियो बना बना के ना गले में खराश हो गया है। एनीवे, तो वीडियो को एंड तक देखें यार और अच्छे से समझें, और वीडियो फिनिश होते साथ इसको बना डालें। तो देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ठीक है, ये एंगल ऑफ डिस्चार्ज है कितना, ये एंगल दिया हुआ है हमको 60 डिग्रीज, और ये जाके यहाँ पे गिर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ना, तो दोस्तों ये हमको दे रखा है 8 मीटर्स, ठीक। अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ड्रॉइंग शीट में, कैसे बनाना है, ये मैं अब आपको सिखाता हूं। तो इसका स्केलेटन कैसे रहेगा, सबसे पहले देखिए ये 8 मीटर है, तो जाहिर सी बात है 8 मीटर का लाइन खींचना तो संभव नहीं है। 1 मीटर बराबर मान लो आप 1 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मीटर है लेकिन असल में है क्या, ये है सेंटीमीटर्स, ठीक है। हटा देते हैं, अब इसका सेंटर पॉइंट लोकेट कर लीजिए, सेंटर पॉइंट लोकेट कर लीजिए। खैर जरूरत नहीं है सेंटर पॉइंट वाले मेथड से, आप सीधा क्या करिए, एंगल ऑफ डिस्चार्ज ले लीजिए। अब जो एंगल ऑफ डिस्चार्ज है वो हमको दे रखा है कितना, 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्रीज के एंगल पे ये है, 60 डिग्रीज के एंगल पे एक लाइन खींच लीजिए। अब जो एंगल ऑफ डिस्चार्ज रहेगा ना, तो जब वो आके गिरेगा ना यहाँ पे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा यहाँ पे भी कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो एक बार आप 60 डिग्री ले लो एंटी क्लॉक, इधर से ले लो आप 60 डिग्री क्लॉक, दोनों के दोनों यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक। आगे की कहानी क्या है तो देखिए, उसको समझने के लिए ये इस वाले पोर्शन के ना हमको करने हैं 12 पार्ट्स। अब आप सोच रहे हो 12 क्यों करने हैं, यार ये मेथड है, आप चाहो तो 10 पार्ट्स कर लो, 8 पार्ट्स कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन जितने भी डिविजन्स होंगे वो इवन रहेंगे, ऑड नहीं रहेंगे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, द नंबर ऑफ डिविजन शुड बी इवन एंड नॉट ऑड, फाइन। तो देखिए अगर 12 हिस्से करने, तो यहां पे कितने बिंदु अंकित करने पड़ेंगे, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कदम, 12वें को हिस्से में लाओ, ड्राफ्टर को जमाओ, नट को कसो, 11वें पे लाओ, 10वें पे लाओ, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ठीक है। ये 12 डिविजन हमको यहां पर भी चाहिए, तो यार मैंने यहाँ पे एक बेवकूफी कर दिया एनिमेशन बनाते वक्त। तो इस सेम प्रोसेस को आप यहाँ पे भी अपना सकते हो। बहरहाल उससे पहले हम यहाँ पे नामकरण कर देते हैं, यहाँ से चालू करते हैं और ये जाके फिनिश होगा यहाँ पे। तो आप ये कंस्ट्रक्शन जो है ना, आप चाहो तो यहाँ पे रिपीट कर लो 12 डिविजन्स करके, ये सेम हो जाएगा। बाकी इसका बेहतर तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप मिनी ड्राफ्टर को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेट कर लो, ठीक, यहाँ पे लेके जाओ और स्केल को बस यहाँ पे रख लो, स्केल को ना ऐसे करके यहाँ पे रख लो और यहाँ पे बिंदी अंकित कर दो, फिर स्केल को यहाँ पे रख लो, फिर यहाँ पे बिंदु अंकित कर लो। आपको ये सारे पॉइंट जो है मैंने कंस्ट्रक्शन के जरिए जो लाए हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पे स्केल को हॉरिजॉन्टल रखते हुए भी आपको पॉइंट्स जो है एक एक करके मिल जाएंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जो बेवकूफी मैंने की है वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहां से नामकरण कैसे किया हम लोगों ने, पहला डिविजन जहां पे समाप्त हुआ मैंने वहां पे अंकित किया 1, उसके बाद मैंने अंकित किया 2। आप क्या करें, यहां से उल्टा डिवीजन चालू करें, पहला डिवीजन जहां पे समाप्त होगा वहां पे अंकित करें 1 डैश, एंड सो ऑन 2 डैश, 3 डैश, और इस प्रकार से चलती जाएगी कहानी, कहां तक, 11 डैश तक, ठीक है। अब क्या करना है, तो जोड़ने का प्रोसेस, कौन से लाइन को आप जोड़ेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, एन को जोड़ना है n+1 डैश से, और एन चालू होगा कहां से, एन चालू होगा फ्रॉम 0, ये जाएगा 0 से लेके 11 तक, ठीक है। तो पहला जुड़ेगा किसके बीच में, 0 जुड़ेगा किससे, 0+1 मतलब 0+1 डैश, तो 0 को जोड़ना है किससे, 1 डैश से, जोड़ लीजिए। उसके बाद कौन जुड़ेगा, 1 जुड़ेगा किससे, 2 डैश से, तो देखिए 1 1 रखे n का वैल्यू, जब n का वैल्यू 0 रखे तो ये है कहानी, n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये 1 रहेगा, 1+1 2 हो जाएगा 2 डैश, 1+2 डैश, ये 1 को जोड़ो 2 डैश से, और ये कहानी चलने दो यार, चलने दो, हो गया। ये बचा 11 को, ये 12 डैश है बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हो, ठीक। ये पैराबोला तो आपको दिखाई दे देना चाहिए, बहुत ही शानदार मेथड, ठीक है। आप कुछ मत करो, लाइन को बस छुआते हुए कर्व बनाते हो जाओ, लाइन को बस छूते हुए, टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, और
बहुत इजीली ये कर्व बन भी जाएगा आपका, ये कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, सरल था कि नहीं। तो ये था दोस्तों हमारे सामने टैंजेंट मेथड, जिसके जरिए खासकर जो आपको एंगल ऑफ डिस्चार्ज वाले प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे ना, ठीक है, तो उसको आप टैंजेंट मेथड से बनाएं तो बड़ी आसानी से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में चालू होगा हाइपरबोला सीरीज, बहुत मजा आने वाला है, उसमें भी हम लोग सारे मेथड्स देखेंगे, रेक्टेंगल मेथड देखेंगे, और शुरुआत तो हालांकि हम लोग करने वाले हैं किससे 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 जनरल मेथड से। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं हाइपरबोला के प्रश्न के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।